बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा फकीर था जिसकी दुआओं से आग दरिया में बदल जाती थी और चांद हाथों में झूलता नजर आता था, जिसने मौलाना रूमी को उनकी असल मंजिल दिखाई? वो कौन था दोस्तों? आज हम आपको एक ऐसे रूहानी शख्सियत की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिनकी ज़िंदगी अल्लाह के इश्क और करामातों से भरी हुई थी। वो नाम है हज़रत शाह शम्स तबरेज़ का। ये सिर्फ अफसाने नहीं हैं बल्कि सच्चे वाकियात हैं जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि शाह शम्स तबरेज़ कौन थे? वो शख्सियत जिनकी मोहब्बत और इश्क की तालीम ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया, जिनकी करामातों ने लोगों के दिलों में अल्लाह का नूर भर दिया। उनकी ज़िंदगी सिर्फ एक इंसान की ज़िंदगी नहीं थी बल्कि एक सफ़र था, एक रूहानी सफ़र जो आज तक लोगों को सच्चे इश्क ए हकीकी का रास्ता दिखाता है। इस वीडियो में हम आपको शाह शम्स तबरेज़ की पूरी कहानी सुनाएंगे। उनका जन्म कैसे हुआ, उनका बचपन कैसा था, उन्होंने इल्म और रूहानी तालीम कहाँ से हासिल की, कैसे वो दुनिया में सफ़र करते हुए लोगों के दिलों में मोहब्बत और अल्लाह का पैगाम पहुँचाते रहे, और उनकी सबसे मशहूर मुलाकात मौलाना रूमी के साथ, जिसने रूमी की ज़िंदगी बदल दी। क्या आपने सुना है कि शाह शम्स तबरेज़ ने पानी में आग लगा दी थी? शाह शम्स तबरेज़ की तालीम का सफ़र किसी आम इंसान का सफ़र नहीं था, ये वो सफ़र था जो उनकी रूह को एक नई दिशा दे रहा था। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नौजवान लड़के को क्या चीज़ें इस कदर बेचैन कर सकती हैं कि वो अपने घर, अपने शहर, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी की आराम तलबी को छोड़कर इल्म की तलाश में निकल पड़े? शाह शम्स का दिल वो सवाल करता था जिनके जवाब किसी किताब या मदरसे में नहीं मिलते। वो दिलों को छूने वाला इल्म चाहते थे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले और इसे अपने दोस्तों में शेयर यार जरूर करें। ए हकीकी की उस मंजिल को पाना चाहते थे जहां इंसान और अल्लाह के बीच कोई पर्दा न हो। शम्स तबरेज़ की रूहानी तालीम की शुरुआत हज़रत बाबा कमालुद्दीन से हुई। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनके पास इल्म सिर्फ जाहिरी नहीं था बल्कि वो इल्म जो दिलों में उतर जाता है। उन्होंने शाह शम्स को वो तालीम दी जो न सिर्फ रूह को सुकून देती है बल्कि इंसान को अल्लाह की मोहब्बत में डुबो देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि शाह शम्स ने अपने उस्ताद से क्या पाया होगा? वो सिर्फ रूहानी तालीम तक महदूद नहीं रहे। बाबा कमालुद्दीन ने शाह शम्स को इल्म ए तसव्वुफ़, इश्क ए हकीकी और ज़िंदगी के वो राज सिखाए जिन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। शाह शम्स ने उनके साथ वक्त गुजारते हुए वो सीखा जो किताबों में नहीं बल्कि दिलों के दरवाज़ों के पीछे छिपा होता है। क्या ये तालीम महज रूहानी थी या दुनियावी भी? असल में ये तालीम दोनों का संगम थी। शाह शम्स ने अपने उस्ताद से न सिर्फ अल्लाह की सच्ची मोहब्बत का रास्ता सीखा बल्कि उन्होंने इंसानियत, अदब और ज़िंदगी की हकीकतों को भी समझा। ये वही तालीम थी जिसने उन्हें दुनियादारी के बीच रहते हुए भी अल्लाह से जुड़े रहने की काबिलियत दी। जब शाह शम्स ने अपने उस्ताद से इश्क हकीकी की तालीम हासिल की तो उनका दिल एक नए नूर से भर गया। वो महज एक तालिबे इल्म नहीं रहे बल्कि वो अब इश्क हकीकी के रास्ते के राही बन गए थे। उनका सफ़र न सिर्फ इल्म की तलाश था बल्कि उस इश्क की मंजिल तक पहुंचने का सफ़र था जो अल्लाह और बंदे के बीच का सबसे पाक रिश्ता होता है। क्या आपको लगता है कि यह सफ़र आसान था? नहीं, ये सफ़र कठिनाइयों से भरा हुआ था, मगर शाह शम्स तबरेज़ का दिल कभी पीछे नहीं हटा। उनके अंदर वो तड़प थी
जो उन्हें आगे बढ़ाती रही, एक ऐसे सफर की तरफ जहां रूह और दिल का मिलन होता है, जहां इंसान को उसकी असली पहचान मिलती है। शाह शम्स तबरेज की जिंदगी का सफर कोई आम सफर नहीं था। यह सफर सिर्फ रास्तों की दूरी तय करने का नाम नहीं था, बल्कि हर कदम एक रूहानी मकाम का इशारा था। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कैसे हर शहर और मुल्क में घूमते हुए अल्लाह के पैगाम को फैला रहे थे? उनका सफर महज एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का नहीं था, बल्कि एक ऐसी तलाश थी जो दिलों को बदल देती थी। उन्होंने मक्का, मदीना, काबा और मुल्तान जैसे पाक और बरकत वाले शहरों का सफर किया। लेकिन क्या यह सफर सिर्फ जिस्मानी था? नहीं, यह एक रूहानी सफर भी था। शाह शम्स का हर कदम अल्लाह की तरफ बढ़ने का एक नया पड़ाव था। उनका सफर रूह को तसल्ली देता था और दिल को एक नई राह दिखाता था। जब वो मक्का और मदीना पहुंचे, तो क्या आप सोच सकते हैं कि उनके दिल पर क्या गुजरी होगी? उस मुकद्दस धरती पर कदम रखते ही उन्होंने अपनी रूह को अल्लाह के और करीब महसूस किया। हर सजदा, हर इबादत उनके दिल को और पाक कर रही थी। वो शहर जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें बसी हुई हैं, वहां शाह शम्स ने अल्लाह से एक नई तलब महसूस की, वो तलब जो इंसान को रूहानी सफर पर ले जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि मुल्तान जैसी जगहों पर जाकर शाह शम्स ने क्या पाया? मुल्तान वो शहर है जहां रूहानियत का दरिया बहता था। वहां उन्होंने न सिर्फ इल्म हासिल किया, बल्कि अपने इश्क ए हकीकी को और गहरा किया। मुल्तान की मिट्टी ने उनकी रूह को एक नई ताकत दी। लेकिन यह सफर सिर्फ जगहों का नहीं था, बल्कि यह एक रूहानी सफर था। शाह शम्स तबरेज का हर सफर दरअसल अल्लाह के करीब जाने का एक रास्ता था। उन्होंने न सिर्फ इल्म और इश्क ए हकीकी को फैलाया, बल्कि खुद को अल्लाह के और करीब महसूस किया। उनका सफर एक मिशन था, जिसमें वो लोगों को हक की राह दिखाते और दिलों को अल्लाह की मोहब्बत से भरते थे। क्या आपने कभी ऐसा सफर सोचा है जहां एक इंसान अपनी रूह को हर कदम पर अल्लाह की रोशनी से नहलाता हो? शाह शम्स तबरेज का सफर यही था, एक ऐसा सफर जिसमें हर शहर और मुल्क एक नए रूहानी मकाम की तरह था। वो जहां भी गए, वहां की फिजा में अल्लाह का पैगाम भर दिया। शाह शम्स तबरेज की जिंदगी की सबसे असरदार और मशहूर मुलाकात मौलाना रूमी से हुई थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मुलाकात किस कदर बदल देने वाली थी? एक ऐसा लम्हा जो न सिर्फ मौलाना रूमी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गया, बल्कि पूरी दुनिया में हकीकी का पैगम फैलाने का सबब बना। एक रोज मौलाना रूमी अपनी किताबों में डूबे हुए थे, जैसे वो हमेशा रहते थे। उनका दिल इल्म की तलाश में लगा रहता था, लेकिन शायद वो खुद नहीं जानते थे कि असल इश्क और रूहानियत की तलब उनके अंदर कितनी गहरी है। अचानक शाह शम्स तबरेज उनके सामने आकर खड़े हो गए। उनकी मौजूदगी जैसे खुदा की रहमत की तरह थी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी शख्स की मौजूदगी ही आपकी रूह को हिलाकर रख दे? शाह शम्स की मौजूदगी कुछ ऐसी ही थी। उन्होंने रूमी से वो सवाल किया जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। शाह शम्स ने पूछा, क्या तुमने इश्क ए हकीकी के बारे में कुछ पढ़ा है? यह सवाल था, लेकिन साथ ही एक रूहानी झटके जैसा था। रूमी, जो अब तक किताबों में सच्चाई और इल्म की तलाश में थे, इस एक सवाल से जैसे जाग उठे। उनकी आंखों में सवाल उभरने लगे, क्या वाकई इश्क ए हकीकी इल्म से बढ़कर है? क्या आपने कभी सोचा है कि शाह शम्स की बातें इतनी असरदार क्यों थीं? वो इसलिए क्योंकि शाह शम्स खुद इश्क ए हकीकी में पूरी तरह डूबे हुए थे। वो हर लफ्ज, हर सवाल में रूहानियत का वो रंग भर देते थे जो सीधा दिल में उतरता था। शाह शम्स ने रूमी को सिखाया
कि इल्म किताबों से नहीं दिल से आता है और इश्कर ही असली इल्म है। मौलाना रूमी की शायरी में जो रूहानियत और इश्कर की गहराई है वो शाह शम्स की तालीम का असर था। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक आलिम जो किताबों में डूबा रहता था अचानक इश्कर का दीवाना शायर बन गया। शाह शम्स की तालीम ने रूमी को समझाया कि अल्लाह की मोहब्बत सबसे बड़ी सच्चाई है। उन्होंने रूमी के दिल के दरवाजे खोल दिए जहां से इश्क का एक ऐसा दरिया बहने लगा जो पूरी दुनिया को आज भी सुकून देता है। क्या यह महज एक मुलाकात थी? नहीं, ये एक रूहानी इनकलाब था। शाह शम्स ने मौलाना रूमी को वो दिया जो शायद वो खुद भी नहीं जानते थे कि उन्हें चाहिए। शाह शम्स की तालीम ने रूमी की शायरी में वो गहराई पैदा की जिसे पढ़कर आज भी लोग इश्क ए हकीकी को महसूस करते हैं। शाह शम्स की मुलाकात ने मौलाना रूमी की जिंदगी को बदल दिया, लेकिन साथ ही उस इश्क की लौ को भी जलाया जिसने दुनिया भर के दिलों को रोशन कर दिया। शाह शम्स तबरेज की करामातें सुनकर हर कोई हैरत में पड़ जाता है। उनके एक एक वाकये ने न सिर्फ लोगों के दिलों को हिला दिया बल्कि रूह को भी झिंझोड़ कर रख दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि वो करामातें कैसे होती थीं? ये करामातें कोई आम चमत्कार नहीं थीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत का नज़ारा थीं जो शाह शम्स के जरिए दुनिया के सामने आई। एक वाकया है जब शाह शम्स ने पानी में आग लगा दी। क्या आपने कभी सुना है कि पानी में आग लग सकती है? ये सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन जब शाह शम्स तबरेज ने अपने हाथों से पानी को छुआ तो उसमें आग की लपटें उठने लगी। लोग ये करामात देखकर दंग रह गए। उनकी आंखों में हैरत और दिलों में ईमान का एक नया सैलाब था। शाह शम्स की ये करामात एक इशारा थी कि जब अल्लाह की रजा हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। एक और वाकया है जब शाह शम्स ने दरिया में अपना हाथ डाला और चांद को निकाल लिया। सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है? लेकिन शाह शम्स तबरेज की ये करामातें इंसानी समझ से परे थीं। उन्होंने दरिया के गहरे पानी में अपना हाथ डाला और आसमान का चांद उनकी हथेलियों में आ गया। ये नज़ारा देखकर लोग सदमे में आ गए। लेकिन शाह शम्स की ये करामातें सिर्फ दिखावा नहीं थीं, बल्कि अल्लाह की ताकत का वो पैगाम थीं जो हर दिल में ईमान की रोशनी जला रही थी। सोचिए, क्या ऐसी करामातें सिर्फ अल्लाह के खास बंदों के जरिए ही हो सकती हैं? शाह शम्स की हर करामात ने लोगों के दिलों में ईमान की ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने रूह को रोशन कर दिया। शाह शम्स तबरेज की करामातें एक यादगार नजारा थीं जिनसे लोगों ने अल्लाह की कुदरत को महसूस किया। वो करामातें न सिर्फ उनकी रूहानी ताकत का सबूत थीं, बल्कि एक संदेश भी थीं। जब इंसान का रिश्ता अल्लाह से इतना गहरा हो जाता है तो दुनिया की हदें टूट जाती हैं और नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। शाह शम्स तबरेज की वफात भी एक गहरी रहस्य से घिरी हुई है। वो शख्सियत जिनकी रूहानी ताकतों ने हजारों दिलों को रोशन किया, उनका इस दुनिया से रुखसत होना भी किसी करामत से कम नहीं था। क्या आपने कभी सोचा कि इतनी बड़ी रूहानी हस्ती का अंत कैसे हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि उनके दुश्मनों ने उन्हें शहीद कर दिया। वो लोग जो उनकी रूहानी ताकत और अल्लाह से उनके करीबी रिश्ते से जलते थे, उन्होंने शाह शम्स की जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की। पर क्या एक रूहानी शख्सियत को मारा जा सकता है? उनका जिस्म भले ही दुनिया से चला गया, लेकिन उनकी रूह आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि शाह शम्स ने खुद को इस दुनिया से छुपा लिया था। जैसे वो अपनी रूहानी मंजिल को पा चुके थे और अब अल्लाह के करीब जाना चाहते थे। वो दुनिया की नजरों से ओझल हो गए, पर उनकी तालीम
उनकी करामातें और उनका प्यार हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बसा रह गया। मुल्तान की धरती पर उनकी दरगाह आज भी खड़ी है, जहां हर रोज हजारों लोग आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दरगाह कैसे किसी की रूहानी ताकतों को संभाले रहती है? शाह शम्स तबरेज की दरगाह पर जाने वाले लोग आज भी उनकी करामातों और तालीम से फैज़ याफ्ता होते हैं। उनकी दरगाह एक ऐसा रूहानी मकाम है जहां लोग अपनी परेशानियों और मुश्किलों का हल पाने आते हैं। शाह शम्स तबरेज की वफात एक अंत नहीं बल्कि एक रूहानी सफर का आगाज था। उनकी जिंदगी, उनकी तालीम और उनकी करामातें आज भी दुनिया के हर कोने में फैली हुई हैं। वो चले गए पर उनके नूर से आज भी दुनिया रोशन है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर हम शाह शम्स की तालीम को अपना लें तो क्या हमारी ज़िंदगी आसान और खुशहाल नहीं हो जाएगी? उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि इश्क ही इंसान को अल्लाह के करीब ला सकता है। वो मोहब्बत जो हर इंसान के दिल में बसती है पर उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। शाह शम्स की तालीम हमें ये सिखाती है कि हमें इंसानियत से, एक दूसरे से और सबसे बढ़कर अल्लाह से। आज के दौर में भी शाह शम्स तबरेज की तालीमात उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी पहले थी। उनकी तालीम का मकसद सिर्फ इल्म देना नहीं था बल्कि दिलों को रोशन करना। और अगर हम आज भी उनकी तालीम को अपनाएं तो हमारे दिलों में वही इश्क ए हकीकी फिर से जाग सकता है जो शाह शम्स ने अपनी हर सांस में जिया। उनके इस पैगाम को अपनी जिंदगी में शामिल करके हम भी अपने दिलों में वही मोहब्बत और रूहानी ताकत जगा सकते हैं जो शाह शम्स तबरेज के दिल में थी। उनका पैगाम सिर्फ पुराने वक्त के लिए नहीं बल्कि आज भी हमारे लिए उतना ही अहम है। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।